Assalamu alaikum everyone, my name is Manzoor and I am first year MBBS student at Jalawan Medical College Khuzdar. And इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने फर्स्ट डे का जो व्लॉग है वो दिखाने वाला हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊँ कि जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ वो नौशकी है. मैं वहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट किया जो मेरा कॉलेज खुजदार में है, यहाँ तक आया. और हमारे यहाँ पे रूम्स के अलाटमेंट हो गए. एक दो दिन हमारे बहुत ही अच्छे गुजरे, हम बहुत इन्जॉय कर रहे थे क्योंकि उस टाइम हमारे जो सीनियर्स थे उनके प्रोफ के प्रेप चल रहे थे. तो जैसे ही सीनियर्स का आना स्टार्ट हो गया, सारे सीनियर्स आ गए, तो फिर हमने बहुत ज़्यादा सुना था कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सख्त रैगिंग होगी. तो फिर हम रैगिंग से स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा मुझे बिल्कुल रैगिंग पसंद नहीं है. और क्योंकि रैगिंग में आप अक्सर को पता होगा उसमें इनफॉर्मल एक्ट्स करवा, हर चीज़ जो सीनियर आपको कहेंगे वो करना पड़ेगा. तो फिर हम उस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे. तो फिर एक रात जब हमने सुना कि आज रात को सीनियर्स आके रैगिंग करेंगे, हम सबसे पहले सो गए 10 बजे को सो गए. तो फिर 12 बजे जो हमारे सीनियर्स आए, उन्होंने सबके दरवाजे नोक किए, नोक नहीं कह सकते बल्कि लातों की बारिश किया. तो फिर हम जाग गए और उठे, अपने कपड़े वगैरह वगैरह चेंज किया और उन्होंने हमें बुलाया कि आ जाओ कॉरिडोर में, रैगिंग चल रहा है. तो फिर वहाँ पे हमारा ऐसा बहुत ही भयानक रैगिंग हुआ जो कि बिल्कुल बताने के काबिल नहीं है. उसके बाद हमने कुछ ऐसे वीडियोस शूट किए जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में भी दिखाऊंगा. तो चले कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को. ये हमारे सीनियर है और आज हमारे रैगिंग हुई है, बहुत मजा आया. ये इसकी रैगिंग हुई है यार. बस कैसे मजा आया कि नहीं आया? जबरदस्त है यार. बस यार हम लोग घर रहे थे, कितना जबरदस्त यार. ये बंदा थोड़ा खफा लग रहा है इसको ज्यादा वो यार. क्या हुआ है? क्यों खफा हो यार? क्यों खफा हो? बच्चे ने कहा गुड, जबरदस्त भाई. वजह से हमारा सुबह उठना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था क्योंकि रात के 2-3 बजे तक हमारा रैगिंग चला. उसके बाद बहुत ही मुश्किल से हमने अपना जान छुड़ाया. बहुत ही ज़्यादा रैगिंग हुई हमारी. तो अभी सुबह सवेरे उठ के हम नहा धो के फ्रेश हो गई है. अभी हम रेडी हो रहे हैं कॉलेज के लिए. देखते हैं हमारा फर्स्ट डे. तो जैसे आप देख सकते हो हमारे वाइट कोट यूनिफॉर्म वगैरह सारे यहाँ पे पड़ी हुई है. तो अभी हम रेडी होंगे, उसके बाद चलेंगे कॉलेज. आप आ गया? ओके. हमारे पास सादिक भाई रेडी हो रहे हैं. वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. हम सब ने इस दिन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है. तो सादिक भाई बताए अपना एक्साइटमेंट कैसा लग रहा है आपको फर्स्ट डे? बहुत अच्छा लग रहा है यार. इस दिन के लिए तो हमने बहुत वेट किया और बहुत मेहनत और कोशिश की है. बस अल्लाह ताला ने हमें इस मकाम पर पहुंचा दिया. अब हम फर्स्ट डे है तो थोड़ी बहुत वो घबराहट भी हो रही है और एक्साइटमेंट भी है. और इंशाल्लाह देखते हैं कैसा रहता है. ओके, सबके साथ. ओके सादिक भाई, तो फाइनली कंप्लीट रेडी हो गए हैं. उन्होंने अपना वाइट कोट पहना हुआ है जिसके लिए वो ख्वाब देखते थे एक टाइम पे बहुत ज़्यादा. ओके, फाइनली उसका वो ख्वाब पूरा हो गया. ओके, तो व्हाट्स नेक्स्ट सादिक भाई? यार अब हम जाएंगे. वाओ, वैसे अभी तक इसका टाइम नहीं आया है लेकिन फिर भी वो थोड़ा शौक करते हैं ना. ओके, इसका अलग ही मजा है. सही बात भाई, सही बात. यही तो हमारा भाई रिचमन का है जी. ये नेक्स्ट कंपनी का है. ओके, सही है. इसको इस तरह रखते हैं. क्या बात है, अब बिल्कुल लग रहे हो ना कंप्लीट डॉक्टर कसम से सच में. तो यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर ताहिर है जो कि तैयार हो रहा है. हाँ डॉक्टर ताहिर, तो बताए अपना फर्स्ट डे के हवाले से कि आप. मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्साइटेड हूँ कि
ओके जो कि यार मेडिकल स्टूडेंट का ख्वाब होता है व्हाइट कोट पहनना। ओके कंग्रेचुलेशन हमारे अभी आपका कॉल अभी भी अधूरा है ना, अभी आपको 5 साल मेडिकल का कोर्स करना पड़ेगा, हमें कोशिश करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह वी विल सक्सेस फाइनली। ओके कम्प्लीटली एक सक्सेसफुल डॉक्टर रियाज भी रेडी हो गया है, तो हम मिलते हैं। उसका जो एक्साइटमेंट है वो वाइट कोच को लेके और फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज को लेके क्या बताएंगे? जी हाँ मंजूर भाई, ये पहली बार है कि जब मैं वाइट कोट पहन रहा हूँ, जैसे कि आपको पता है इसकी मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा वेट किया है, तो बस अब यही दुआ है कि अल्लाह पाक करे मजीद कामयाब रहेगी। मेरी जर्नी अभी शुरू हुआ है, फाइनली हम हॉस्टल से निकल चुके हैं कॉलेज की तरफ। जो हॉस्टल है हमारा वो पीछे है एन, तो हॉस्टल का जो सीन है वो कुछ बहुत ज़्यादा गंदा है, क्योंकि सीनियर्स ने कल रैगिंग किया था तो बहुत ज़्यादा गंद मचाया हुआ है वहाँ, वो बिल्कुल दिखाने की काबिल नहीं है। लिहाजा तो कॉलेज मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कोई और टाइम, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को हॉस्टल का भी टूर करवाऊंगा। रियाज गर्ल्स की जगह बैठ के सारे बैक बेंचर बन रहे हो तो ये तो मैं एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, जैसे प्रीव्यू के लिए ये है पूरी स्लाइड है।
स्विच बटन, उसके बाद आती है ये, ये क्या चीज है? और आगे ले जाओ थोड़ा थोड़ा। कर चुके हैं अभी 2 PM है और कॉलेज से निकल चुके, आप देख सकते हो पीछे हमारे कॉलेज है, तो हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं। और आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है, तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में। बहुत इट वाज माय फर्स्ट डे एट मेडिकल कॉलेज एज ए मेडिकल स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया और सारे प्रोफेसर से मिले जो हमें पढ़ाते हैं एनाटॉमी फिजियो बायोकेम, बहुत ही बेहतरीन प्रोफेसर थे हमारे सारे, हेल्पिंग एंड थे और जो स्टाफ था वो भी बेहतरीन था, बहुत ही अच्छा वेलकम किया हमारा सिवाय सीनियर्स के। ओके, तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।